क्वेश्चन में हमें कुछ पैरेललोग्राम्स दिए हुए हैं और इन सभी पैरेललोग्राम्स में एक्स वाई जेड अननोन एंगल्स हैं और हमने इन सभी अननोन एंगल्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमको पैरेललोग्राम एबीसीडी गिवन है, तो हम लिखेंगे इन पैरेललोग्राम एबीसीडी। अब देखिए इस पैरेललोग्राम एबीसीडी में बी एंड डी अपोजिट वर्टेक्स हैं, बी एंड डी अपोजिट कोने हैं, इसलिए एंगल बी एंड एंगल डी एक दूसरे के अपोजिट एंगल्स होंगे। और स्टूडेंट्स हमें पता है कि एक पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल बी एंड एंगल डी जो कि एक दूसरे के अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे इन पैरेललोग्राम एबीसीडी एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी। इसके लिए रीजन भी लिख देते हैं, लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखिए स्टूडेंट्स हमें जो बी एंगल दिया गया है वह है 100 डिग्री का, तो हम बी की जगह पर लिखेंगे 100 डिग्री। फिर यहां पर इक्वल्स टू है तो लगाएंगे इक्वल्स टू। फिर है एंगल डी और एंगल डी है y, इसलिए हम एंगल डी की जगह पर लिखेंगे y। तो यहां से हमारे पास में आ गया y इज इक्वल्स टू 100 डिग्री और हमने इसको बना दिया फर्स्ट इक्वेशन। तो यहां पर हमने y के वैल्यू को ऑप्टेन कर लिया। अब हम x एंड z की वैल्यूज को ऑप्टेन करेंगे। अब हम x एंड z की वैल्यूज को ऑप्टेन करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स इस पैरेललोग्राम में वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स सी एक दूसरे के साथ वाले वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स सी एक दूसरे के एडजेसेंट वर्टेक्स हैं, इसलिए इन पर जो ये एंगल्स बनेंगे ये एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स होंगे। एंगल बी एंड एंगल सी एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स होंगे। और स्टूडेंट्स एक पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180 डिग्री, इसलिए एंगल बी एंड एंगल सी इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसके लिए हमारा रीजन होगा इन पैरेललोग्राम सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। अब क्योंकि हमारा बी एंगल जो है वो 100 डिग्री का है तो हम बी एंगल की जगह पर लिखेंगे 100 डिग्री। फिर आगे प्लस है तो लगाएंगे प्लस। फिर यहां पर है एंगल सी और एंगल सी जो है वो है एक्स, तो हम एंगल सी की जगह पर लिखेंगे एक्स और आगे इज इक्वल टू 180 डिग्री तो है। अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। हम इस 100 डिग्री को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे, तब लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा सिर्फ x और राइट हैंड साइड में हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। अब आगे सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में है x और राइट हैंड साइड में है 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री हो जाएगा 80 डिग्री। तो यहां पर हमारा x आ गया 80 डिग्री, ये आ गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स इस पैरेललोग्राम में ए एंड सी अपोजिट वर्टेक्स हैं, इसलिए एंगल ए एंड एंगल सी एक दूसरे के अपोजिट एंगल्स होंगे और हमें पता है कि एक पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल ए एंड एंगल सी एक दूसरे के इक्वल एंगल होंगे। तो हम लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल ए एंगल सी के बराबर क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब देखिए स्टूडेंट्स एंगल ए जो है उसका वैल्यू है जेड, तो हम एंगल ए की जगह पे लिखेंगे जेड, फिर इक्वल्स टू है तो लगाएंगे इक्वल्स टू। फिर है एंगल सी और एंगल सी जो है वो है एक्स, तो हम एंगल सी की जगह पे लिखेंगे एक्स। अब स्टूडेंट्स हम इस एक्स की वैल्यू को ऑब्टेन कर चुके हैं, हम एक्स की वैल्यू को निकाल चुके हैं 80 डिग्री, तो हम x की जगह पे लिखेंगे 80 डिग्री, तब हमारा z आ जाएगा 80 डिग्री। z हमारा आया था x के इक्वल और हम x को निकाल चुके हैं 80 डिग्री,
हमने x की जगह पे लिख लिया 80 डिग्री, तो हमारा z आ गया 80 डिग्री, तो ये आ गया हमारा थर्ड इक्वेशन। तो यहां पर हमने x, y, z तीनों की वैल्यूज को ऑब्टेन कर लिया, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड, x इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, y इज इक्वल्स टू 100 डिग्री एंड z इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर।